हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। में हूँ एरिक। दोस्तों, ये देखिए हमारा पोथोस मनी प्लांट, जो कि आपने हमारे पिछले वीडियो में, एक महीने का पहले का वीडियो में देखा था। इसको हमने घना बनाने का तरीका सिंपल एयर लेयरिंग के जरिए बताया था। तो अब ये घना बन चुका है, हालांकि उसके पत्ते थोड़े से छोटे हैं अभी, बड़े नहीं हैं। इनको बढ़ने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा, और एक महीना भर लग जाएगा तो पत्ते बढ़ जाएंगे। लेकिन आप एक देख सकते हैं इन पत्तों के ऊपर कितनी चमक है। इंडोर प्लांट्स के पत्तों को चमकाया जा सकता है, आउटडोर के प्लांट को हम चमका नहीं सकते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरती है और बड़ा गार्डन होता है वो हो नहीं पाता है। लेकिन इंडोर प्लांट चमकना चाहिए, वो एक घर का या ऑफिस का माहौल ही अलग बना देता है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे घने पत्ते दिख रहे हैं। तो हमने कुछ ऑर्गेनिक तरीका अपनाया है, आप इनऑर्गेनिक तरीका भी अपना सकते हैं। कुछ मार्केट से स्प्रे ला करके, वैक्स बेस्ड स्प्रे होता है, तो वैक्स बेस्ड स्प्रे पौधों को खराब कर देता है। तो ये देखिए हमने ऑर्गेनिक तरीका अपनाया, ये है दूध, उबला हुआ दूध, 2/3 पानी मिलाना है दूध में, थोड़ा सा दूध में, और एक साफ सुथरा मुलायम कपड़ा लेकर के हर एक पत्ते के ऊपर आपको पॉलिश करना है। याद रहे, अगर आपके पौधों के पत्ते ज़्यादा गंदे हैं, धूल मिट्टी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा हैंड लिक्विड सोप लेकर के पानी में घुला करके पत्तों को ऊपर और नीचे से पहले साफ करके लेना है। उसके बाद ही आप पॉलिशिंग का काम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। दूध से आप पत्तों को साफ नहीं कर सकते हैं, दूध से आप पत्तों को पॉलिश कर सकते हैं, चमक ला सकते हैं, क्योंकि दूध में तेल होता है, घी, तो उस वजह से ये पत्ते चमकते हैं। लेकिन याद रहे, आप होल मिल्क को नहीं ले सकते हैं, आपको डाइल्यूटेड मिल्क को ही इस्तेमाल करना है। पानी घोल करके, पानी में मिला करके आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप होल मिल्क लेते हैं तो शायद मक्खियां आ सकती हैं, या बू आ सकती है, मिल्क का, दूध का बू आ सकता है, तो आपको डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। तो इसको आपने इस तरह से, ये देखिए हम पॉलिश कर रहे हैं, इस तरह से आपको पॉलिश करना है। अगर एक पॉलिश से आपका पौधा चमकता नहीं है, तो आपको आधा आधा दूध मिला करके, कभी कभार दूध पतला होता है, तो 50-50% दूध 50% और पानी 50% मिला के आप फिर से पॉलिश कर सकते हैं। तो ये है ऑर्गेनिक तरीका, इंडोर प्लांट्स को चमकाने का ऑर्गेनिक तरीका। दूसरा एक हमने वीडियो पहले भी रिलीज किया था, मेरे ख्याल से पिछले साल हमने रिलीज किया था, बनाना पील्स, केले के छिलकों को लेकर के हम इंडोर प्लांट्स के पौधों को कैसे चमका सकते हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा वीडियो पोथोस को चमकाने का। पोथोस या कोई भी पौधे, इंडोर पौधे आप चमका सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और आप भी आजमा सकते हैं अपने घरों में। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। गुड बाय।